Well, friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. Well, friends, आज का एपिसोड आराम से देखना, ध्यान से देखना। फिर गाइस, आज के एपिसोड में मैं बहुत सारी ऐसी चीजें कहने वाला हूँ जो कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, एंड ये चीजें आप लोग जितना जल्दी हो सके समझ जाए तो उतना ही बेहतर है। Well, friends, कल अक्षय कुमार जी की फिल्म है, भूषण कुमार जी प्रोड्यूसर है इसके। इस फिल्म का नाम है दुर्गामती। इस फिल्म से गाना आया था जिसका नाम है बरस बरस। इस फिल्म में भूमि पेडनेकर है, अरशद वारसी है, करण कपाड़िया भी है इसमें। इस गाने को गाया है बी प्राक ने। बट फ्रेंड्स, बी प्राक इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर सिंगर्स इन बॉलीवुड राइट नाउ आफ्टर ही हैज गिवन फिलहाल एंड तेरी मिट्टी। एंड कल जब ये गाना आया, दिस सॉन्ग वेंट अननोटिस्ड। किसी ने ये गाने पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कल क्या था, कल कूली नंबर वन का दिवस था। सब लोग साबुन, यू नो, तकिया, बिस्तर, चादर, ढुकनी लेके कुली नंबर वन के ट्रेलर के पीछे पड़ गए। उसको ट्रोल किया गया नेपोटिज्म के लिए, उसको ट्रोल किया गया, यू नो, ओरिजिनलिटी ना होने के लिए, उसको ट्रोल किया गया कि बॉलीवुड रद्दी वाहियात गाने बनाता है। लेकिन कल जब ये गाना आया तब किसी ने इस गाने पर ध्यान नहीं दिया, इंक्लूडिंग मी, मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ। लेकिन गाइज, जहाँ हमारी ये कंप्लेंट रहती है कि बॉलीवुड ओरिजिनल गाने नहीं बनाता, एंड वहाँ पर जब बॉलीवुड एक ऐसा गाना लेकर आता है जो कि ओरिजिनल है, एंड ओरिजिनल वो भी कौन, तनिष्क बागची। तनिष्क बागची ओरिजिनल गाना लेकर आना, मतलब ये तो मतलब कोई सपने में नहीं सोच सकता। देन गाइज, इसको आप सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म कहोगे या नहीं कहोगे, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा स्टार है नहीं, यहाँ पर छोटे मोटे स्टार है, छोटी पिक्चर है, इसकी वीडियो बनाकर क्या मिलेगा। हाँ, फिर बोलते हो बॉलीवुड रीमेक वुड है, बॉलीवुड सही गाने बनाता नहीं, बॉलीवुड तो टट्टी गाने बनाता है। लेकिन कल ये जो गाना है गाइस, इसको मैंने कल रात को सुना एंड मेरी सुबह उठ के एक ही दिल से आवाज़ निकली कि मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। गाइस, दिस सॉन्ग नीड्स टू बी हर्ड। बी प्राक, जो कि बहुत जल्द अभी उनका फिलहाल का पार्ट टू लेके आने वाले हैं, उन्होंने इस गाने में चार चांद लगा दिए हैं। एंड नेपोटिज्म डिबेट करते हो तुम लोग, कल वरुण धवन को ट्रोल कर रहे थे वो नेपोटिज्म के लिए, यहाँ पर करण कपाड़िया है, हाँ, यहाँ तो कोई ट्रोल नहीं कर रहा, यहाँ तो डिसलाइक है ही नहीं, ऑलमोस्ट 100,000 लाइक और सिर्फ 4,000 डिसलाइक। नेपोटिज्म की जंग लड़नी है तो पूरी तरीके से लड़ो, क्यों, यहाँ पर करण कपाड़िया है, इसको ट्रोल करके क्या मिलेगा, कौन देखने वाला, वाह वरुण धवन है, उसको ट्रोल करो, व्यूज मिलेंगे, थोड़ी शर्म करो। ये सब तुम लोग का जो एजेंडा है, प्रोपोगंडा है, मेरे को मत सिखाओ। समझ में आ गया, डिसलाइक्स खरीद के सबके वीडियो पर डिसलाइक करना, ट्रेलर को तो डिसलाइक लाइक उन्होंने ऑफ कर दिया। तुम लोग क्या, जो ये जो नो ट्रोलिंग करते हैं, ये जो सेलेक्टिव ट्रोलिंग जो बॉट्स होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, डिसलाइक रिव्यूअर्स को देते हैं जाकर, जाकर रिव्यूअर्स को डिसलाइक दे दो, तब उनका काम वो मत करो। लेकिन तुम लोग की सच्ची जंग होती ना, सच्ची लड़ाई होती थी तो तुम लोग कितनी सारी पिक्चरें आई हैं, खुदाफिस आई थी, लूट केस आई थी, ये सारी पिक्चर तुम लोगों ने देखी नहीं, बस तुम लोग का सेलेक्टिव चलता रहेगा नाटक। ये नाटक जब तक चलता रहेगा जब तक थिएटर्स नहीं खुलते मेरा भाई, हमको ये तमाशा और एक महीना नहीं बल्कि एक साल झेलना पड़ेगा। जब थिएटर खुलेंगे ये सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी, पब्लिक को देखना है थिएटर में जाएगी, नहीं देखना है नहीं जाएगी, तो एक साल तक ये चलता रहेगा रोना कि यू नो नेपोटिज्म, कॉपीवुड, रीमेकवुड, थोड़ी शर्म करो, बॉलीवुड ये गटर छाप ये वो। लेकिन ये गाना कल जब आया था किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला, सबके मुंह पे जिप लग गए थे। वेल फ्रेंड्स, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। वेल फ्रेंड्स, ये गाना बहुत ही बेहतरीन है। आई मीन, इस गाने का वीडियो के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि गाइस वीडियो काफी ठीक ठाक लगा मेरे को। करण कपाड़िया वाज लुकिंग वेरी एवरेज, भूमि पेडनेकर वाज लुकिंग फैंटास्टिक। ये गाना डिपिक करता है ऑब्वियसली रीमेक है भागमती का, लेकिन गाना ये ओरिजिनल गाना है। एंड किस तरह यहाँ पे भूमि पेडनेकर को राइट्स में फंस जाती है, एंड करण कपाड़िया जो कि यहाँ पे एक्टिविस्ट दिखाया गया है वो उसको बचाता है, दोनों के बीच में केमिस्ट्री दिखाई गई है। बट फ्रेंड्स, गाने के बोल बहुत ही बेहतरीन है। उनकी ये नज़र जो नज़र से मिली, मैं पिघलता रहा उसमें ही कही, मैं खुदा से, हाँ खुदा से कहूँ तू मेरा, हाँ तू मेरा, के अखियां बरस बरस जाए, नैना तरस तरस जाए, मोहे तरस दिखा जा रे,
प्यारे। वेल फ्रेंड्स, बी पराग की आवाज कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। लोग ये भी फेंके ना, रोता है गाना गाने के लिए। वेल फ्रेंड्स, वो उसका सुर है, वो उसकी ताल है, वो उसका वॉइस टेक्सचर है, जो कि बहुत कम लोगों के पास नसीब होता है। अदनान सामी जी के पास इस तरह का वॉइस टेक्सचर था। एंड यहाँ पे बी पराग जब डेजर्ट में खड़े रहकर ये गाना गाता है, फैंटास्टिक। एंड लिरिक्स इस गाने के बहुत बेहतरीन है, स्पेशली वो लाइन जब आती है, खोने लगा मैं इस तरह, ऐसा असर तेरा हुआ, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है। जिस तरह से ये डिपिक्ट होता है इस गाने में, वो काफी अच्छा लगता है। ये दिल पे चले तेरा ही जोर, तू खींचे चलूं मैं तेरी ओर, तेरा हुआ मैं सबको छोड़, ये मेरा इश्क नहीं कमजोर। बेहतरीन गाना है गाइस, आप जाके सुनिए। टी सीरीज पर एक गाना आया है, दुर्गा माती फिल्म का है। बात करें गाइस इस सॉन्ग के क्रेडिट के बारे में, तो सॉन्ग को गाया है बी पराग ने, तनिष बागची ने। इतने बेहतरीन लिरिक्स लिखे हैं। लोग तनिष बागची को पूरा दिन ट्रोल करते रहते हैं कि बंदा रीमेक बनाता है, बंदे के गाने सुनने लायक नहीं रहते हैं, और ये बंदा जब ओरिजिनल गाना लेकर आता है तब लोग सुनते नहीं है मेरा। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म, दोगलापन, समझ में आया। एंड गाइस, यहाँ पर इस गाने को प्रोड्यूस किया है ऑब्वियसली केप ऑफ गुड फिल्म्स ने, अक्षय कुमार की कंपनी है, भूषण कुमार ने किया है। लेकिन गाइस यहाँ पे बात करें इसकी म्यूजिक की, तो एडिशनल वॉइस अल्तमश फरीदी इस फैंटास्टिक मैंडोलिन का प्रयोग इस गाने में बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है तपस रॉय के द्वारा। लेकिन गाइस यहाँ पे म्यूजिकल सुपरविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अजीम दयानी ने बहुत ही बेहतरीन गाने को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। His sense of music is fantastic, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो या फिर वो भम भम बोले वाला गाना हो, दिला दू चंडीगढ़ में गाना हो, अजीम दयानी brings us some fantastic music। तो ये काफी fresh है, उनका जो म्यूजिकल सिलेक्शन का रेंज है वो बहुत ही बेहतरीन है गाइज। उनका साथ यहाँ पे दिया है मेगा विकास बाली ने, गाना आया है टी सीरीज पे। तो गाइज मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ऐसे गाने को सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे गाने को सुनिए, ना ही कि भंकस में सेलेक्टिव लोगों के साथ, बस इसने झंडा पकड़ा हम भी झंडा पकड़ के निकल लिए, चलो सबकी बजाते हैं आज। ओके गाइस, सो पसंद है प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, बिकॉज़ मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज सेफ, स्टे कूल मैन।